नमस्कार दोस्तों, एक क्वेश्चन और। मूलधन ज्ञात कीजिए यदि किसी ब्याज की दर 14.2/7 पहले साल के लिए और 11.1/9 दूसरे साल के लिए और साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 40 रुपये हो। तो देखिए, 14.2/7 को हम लिखते हैं 1/7 और 11.1/9 को लिखते हैं हम 1/9। यानी वो कहना चाहता है कि पहले साल अगर 7 रुपये मूलधन है तो 1 रुपया ब्याज, और दूसरे साल कह रहा वो अगर 9 रुपये मूलधन है तो 1 रुपया ब्याज। हमें पता कि 1/7 और 1/9 करना, इसलिए हम इन दोनों का मल्टीपल ले लेंगे। यानी 7 और 9 का मल्टीपल हो गया भाई 63, 63 रुपये मूलधन हो गया। तो 63 का 1/7 जब हम निकाल लेंगे तो पहले साल हो गया 9। अब उसने कहा कि दूसरे साल हो गया इसका 1/9, 63 का 1/9 करा हमने तो ये हो गया 7, और हमें ब्याज इस 9 पे भी देना पड़ेगा। इस 9 का 1/9 कितना हो जाएगा, 1/9 हो गया इसका 1। तो जो ये एक लाइन में है 9 और 7 16, तो ये है चक्रवर्ती साधारण ब्याज, और ये एक है साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का डिफरेंस, क्योंकि ये ब्याज का ब्याज है। तो ये हो गए 17 रुपये, ये हो गया हमारा चक्रवर्ती ब्याज। अब उसने क्वेश्चन में क्या दिया, साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर 40 रुपये, यानी एक की वैल्यू दी उसने 40। अगर वो साधारण ब्याज पूछता तो इसमें 40 की गुणा, अगर चक्रवर्ती ब्याज पूछता तो 17 में गुणा। तो एक की वैल्यू 40 है, 63 की वैल्यू पूछा तो 63 × 40 कर देंगे हम, तो ये आ जाएगा 2520। यानी ऑप्शन कौन सा हो गया भाई, ए।